भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। उस वक्त तेंदुलकर की उम्र महज 16 साल 205 दिन थी। इतने कम उम्र में उन्होंने वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के लिए लाया गया था। पहले टेस्ट मैच में तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए थे, उन्हें 15 रन पर वकार यूनिस ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। दूसरे मैच में उन्होंने 59 रन बनाए और पाकिस्तान के हर गेंदबाज को चौके मारे, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। तीसरे टेस्ट के बाद सीरीज 0-0 की बराबरी पर था। सीरीज का चौथा और सचिन के कैरियर का चौथा मैच सियालकोट का मैदान। पहली पारी में 65 रनों की बढ़त लेने के बावजूद भारतीय टीम दूसरी पारी में वकार यूनिस और वसीम अकरम की घातक गेंदबाजी के कारण 38 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। उस वक्त तेंदुलकर बल्लेबाजी करने उतरे। मांजरेकर, श्रीकांत, अजरुद्दीन और रवि शास्त्री जैसे अनुभवी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। शायद ही किसी को उम्मीद थी कि 16 साल का यह बच्चा बल्लेबाज पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का सामना कर सकेगा। उद्घाटक बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू पहले से ही क्रीज पर थे। चूंकि यह एक हरा टॉप विकेट था और वकार यूनिस एक सुपर फास्ट गेंदबाज थे, इसलिए भारत के लिए क्रीज पर समय बहुत मुश्किल था। वकार यूनिस गेंदबाजी करने आए और एक गेंद को विकेट के बीच पटक दिया। गेंद सचिन की नाक पे जा लगी, वे नीचे गिर गए और नाक से खून बहने लगा। भारतीय फिजियो मदद के लिए पिच की ओर दौड़े। नॉन स्ट्राइकर नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके बचाव के लिए दौड़े। अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि सचिन को स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा। सिद्धू ने सचिन को रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाने को कहा और बाद में बल्लेबाजी के लिए आने को कहा जब यूनिस और अकरम का स्पेल खत्म हो जाए। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर ने अपनी मुंबईया हिंदी में कहा, मैं खेलेगा। तेंदुलकर ने अपने फिजियो और नवजोत सिंह सिद्धू से कहा कि वे इलाज के लिए बाहर नहीं जाएंगे। सिद्धू कहते हैं, उस वक्त एक सितारे ने जन्म लिया। इन दो शब्दों ने अगले 2 दशक तक भारतीय क्रिकेट को परिभाषित किया। तेंदुलकर उठे और वकार यूनिस की अगली गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। सचिन ने 57 रन बनाए और सिद्धू के साथ मैच बचाने वाली 101 रन की शतकीय साझेदारी की। और उसके बाद सचिन ने वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने अगले 23 वर्षों तक भारत के लिए क्रिकेट खेला और बतौर बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में हर संभव रिकॉर्ड बनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 100 शतक हैं। वे टेस्ट मैचों और एक दिवसीय मैचों में दोनों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगे, लेकिन यह सब उन 2 शब्दों के साथ शुरू हुआ, मैं खेलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज के लिए।